इंडस्ट्रीज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से आप सबका स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी, आओ आज ले चलता हूं आपको बॉलीवुड। जी हां, नुसरत बशर जी के साथ एक स्पेशल मुलाकात। जी आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, योर स्माइल, योर ब्यूटी एंड योर डांसिंग स्पेशली। एंड आपकी कह सकता हूँ कि ब्यूटी एंड ब्रेन दोनों का मिश्रण बहुत ही जबरदस्त है। पहले कितनी भी मूवीज के बीच में आपने काम किया स्पेशली, और इसका हमें बहुत इंतजार रहेगा। अभी हम दोनों मिलके आपकी इस आने वाली मूवी का Z5 ग्लोबल पे जो आ रही है और छा रही है, इसका मिलके ट्रेलर देखते हैं। जी जी कन्नौ, और इस वक्त तुम्हें को नहीं कन्नौ, हम तुम दोनों को मिलके कन्नौ है। ये क्या है कंडोम है, तुम्हें नहीं पता? हमको तो पता, ये कॉन्डम है। नाम आदरणीय और काम मादरणीय। क्या क्या क्या, आपके उल्टे पांव में रॉड डली है ना? ए! अगली बार ना जो बेचते हो ना वही छापा करते हैं। इंजीनियरिंग, ये क्या फालतू में निचले स्तर की बातें, कच्चा बनियान क्या होता है? तेरे पे 10 कंडोम का फैमिली पैक, तालियां। अबे किसने दिया ये? कौन पर? हमने सब पे एक मुमनिया भारी है। ये सूचना जनहित में जारी है। तुम लोग लाखों एक कंडोम बनाते हो, दरवाजे पे 200 रुपए घंटी लगा सकते हैं। घंटी तो हमारे घर पे भी नहीं है। तो हम कभी कभी बियर भी पीते हैं। स्ट्रॉन्ग? हाँ पापा। तू भी पीता है? पूरा गुलाल इश्क वाला जो नाचे ब्रिज मेरा था। ओ, 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 ओ। भाई साहब विधवा है, बुरा ना मानो, होली है। मान के बुरा, बहुत मान के बुरा। आप उंगली उठाओ। एंड यू नो कि मैं खड़ा होके क्यों आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, इसीलिए बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न अ डांस स्टेप फ्रॉम यू। तो मुझे भी खड़ा रहना पड़ेगा। नो जी, ये आपने कैसे किया? कैसे किया मतलब, ये बनाओ फिर इसको यहाँ रखो, ये आपका पंख हो गया, ये आपकी बांसुरी होगी, और जो पैर है उसको क्रॉस करो ऐसे, और आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वाला क्रॉस। यस, नाचे ब्रिज मेरा धा, हो गया। आई लव योर दिस चैलेंजिंग रोल। किस तरीके से आपने ये चैलेंजिंग रोल निभाया है, किस बोल्ड तरीके के साथ। सो आप हमेशा ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टोरीज भी करते हैं, तो ये स्टोरी जब आपके पास आई, सो आपने किस तरीके से अपना डिसीजन लिया? जब ये स्टोरी और फिल्म और कैरेक्टर मुझे नरेट किया गया था, एक तो पूरा नरेशन भी नहीं हुआ था, एक वन लाइनर ऐसे थॉट दिया गया था, राज भाई ने मुझे दिया था। एंड मुझे सुनते ही ऐसा लगा कि यार ऐसी फिल्म मैंने सुनी नहीं है, ऐसी फिल्म मैंने इससे पहले देखी नहीं है, तो आई फील लाइक ये फिल्म बननी चाहिए, स्पेशली इफ इट्स राज चांडलियाज राइटिंग। बिकॉज राज सर का ना वो एक USP है, वो कि वो इतनी सेंसिटिव टॉपिक्स और इतनी अलग टॉपिक्स बहुत ह्यूमरसली, बहुत एंटरटेनिंगली, और लोगों तक तो वो बात पहुंच जाती है उस इमोशन में, उतना बना के अच्छा सा मिक्सचर होता है उनका, हंसी मजाक कड़वा खट्टा टाइप, ताकि वो फिल्म ना उस चीज को अच्छे से अपने अंदर ढाल के ऑडियंस तक पहुंचती है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रेलर। ये सबसे पहले तो ये बताओ, जो पहलवान लड़के जीता और आपने उसको 10 कॉन्डम प्राइज में दिए, सो कैसे, उसके उस सीन के बारे में बताएं, जब वो सीन चल रहा था तो कैसा, क्या बैक सीन में क्या चल रहा था? जी बस यही था यार कि मुझे एक फिल्म में ये थॉट है कि कॉन्डम मर्द ही खरीदते हैं, तो ये लड़की पहले चाहती है कि वो बहुत सारे मर्द जाए इकट्ठा होते हैं, वहां जाके कॉन्डम का प्रचार करे, और उसका दोस्त उसे यहाँ कुश्ती वाले मैदान ले आता है, और वो कहती है कि जो जीतेगा उसको इस कंपनी की तरफ से कॉन्डम मुफ्त, दस। हाँ, दस। और ये बात सुन के ही सब हंस पड़ते हैं, बट पॉइंट यही था, उसको बस एक अटेंशन चाहिए था ऑडियंसेस का, ताकि वो वहां जाके अपनी कंपनी का प्रचार कर सके, बट वो उसका आइडिया फेल हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है, बिकॉज वहां सब हंस पड़ते हैं उस पर। बट कोशिश लड़की ने की थी कि वहां जाके सबको बोले कि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। कोई ऐसी यादगार, बिकॉज हर एक मूवी के बीच में कोई ना कोई यादगार रहती है जो दिल के करीब होती है, या कुछ ऐसा हुआ होता है, कोई ऐसी यादगार जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहें? मुझे ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, जब घर पे लड़की के पहली बार माँ और बाप के सामने चोरी पकड़ी जाती है,
कि ये एक छाते बनाने वाली कंपनी में नहीं, एक कॉन्डम बनाने वाली कंपनी में काम करती है, तो घर वाले क्या रिएक्ट करते हैं, और लड़की सबसे पहले अपने घर वालों की सोच को कैसे संभालती है और कैसे उसको समझाती है और कैसे अपना पॉइंट पुट अक्रॉस करती है, वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था। बिकॉज उस सीन में ना आप आई थिंक एक बहुत ह्यूमन लेवल पे और अपनी इंडियन सोसाइटी का एक जो एक के रिलेटिव्स क्या कहेंगे, दुनिया का क्या कहेगी, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उस थॉट को चैलेंज किया है लड़की ने, उस थॉट के अगेंस्ट लड़की ने बोला है, एंड वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था वो एक पर्टिकुलर सीन। अब मुझे पता नहीं कि वो अभी भी इस वर्जन में होने वाला है नहीं होने वाला है Z5 पे, बट वो सीन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। जब ये सीन कर रहे थे तो बेसिकली सीन में मेरे जो फादर है वो ड्रंक आते हैं घर पे, बहुत दारू पी ली होती है, तो उनको समझ नहीं आता क्या हो रहा है, तो वो कॉमेडी कर रहे हैं और माँ रो रही है क्योंकि घर पे लड़की के कॉन्डम पकड़े गए और घर पे तीन लड़कियां हैं। तो पहले तो बात ये होती है कि कॉन्डम किसका है, किसका ये पाप है जिस जो घर में लेके आया है। तो वो सीन पहला सीन था सेट पे जो पूरी फैमिली, पूरा घर, सारे मेंबर्स जितने एक्टर्स थे उनके साथ बैठ के इम्प्रोवाइज किया उनके लाइंस पोजीशंस वो, एंड इट्स कॉमेडी। तो जब आप कॉमेडी की लाइंस और इम्प्रोव करते हो तो खत्म नहीं होता, बिकॉज मैं एक चीज बोलूंगी तो सर एक कमबैक देंगे, फिर आंटी एक कमबैक देगी, फिर यहां से एक और डायलॉग आएगा, तो वो ना वो दो मिनट का सीन चार मिनट का शूट हो जाता है, बिकॉज बोलते ही जाते हैं एक के बाद एक। तो मुझे वो पहला सीन था जो पूरे एक्टर्स एक साथ फैमिली के बैठ के वर्कशॉप पर एक्टिंग कर रहे थे, तो मुझे वो सीन बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, बिकॉज हम भूल गए थे कि हम एक सेट पे है और हम भूल गए थे कि इतने बजे पैकअप होना है, हम बस बैठ के उसकी रीडिंग करते गए और लाइन ऐड करते गए और उस कॉमेडी को ऊपर लेते गए। फिर याद दिलाना, प्रोड्यूसर आके ने याद दिलाया कि भाई पैकअप हो जाएगा, शूट तो कर लो, बैठ के सिर्फ रीडिंग कर रहे हो और गप्पे मार रहे हो, शूटिंग कोई नहीं कर रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इट वॉज अ लॉट ऑफ फन टू हैव दैट काइंड ऑफ क्रिएटिव इन्फ्लक्स ऑन सेट। एक बार मैं Z5 ग्लोबल का, इंडस्ट्रीज का और फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो आपके साथ आज मुलाकात करने का मौका मिला। आज अगर कोई ऐसा आप बताएं कि जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपको फॉलो करते हैं और किस तरीके से आप मेहनत करते हैं, और आप सबको यंगस्टर्स को कोई टिप देना चाहेंगे? ब्यूटी और स्माइल का तो मैं श्रेय अपने पेरेंट्स को दूंगी, उन्होंने किया जो किया मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया, बट जिसको एक्टर बनना है और जिसको फिल्म्स में या OTT पे या कहीं भी जहां भी अपना काम एक्चुअली करके आना है, आई कैन ओनली टेल यू दिस मच यार कि इफ यू बिलीव इन इट देन आप गिव अप नहीं करना। मैंने गिव अप कर दिया होता अगर तो मैं यहाँ होती नहीं। और काम होता है, काम करते जाओ, जो पसंद है वो करते जाओ, और कहीं ना कहीं आपकी नसीब में जो जहां पहुंचना होता है वो आप पहुंच ही जाओगे, तो ये डेफिनेटली मैं कहूंगी। अभी जो आपका मूवी आ रहा है, और आप सबको ऑस्ट्रेलियन फैंस को, ऑस्ट्रेलियन व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? यही कहूंगी यार कि अब ये फिल्म आपके घरों तक आ गई है Z5 ग्लोबल पे, तो इस चांस को मिस मत करिए। इट्स स्ट्रीमिंग लाइव फ्रॉम 15th of July एंड आई होप यू आर वॉचिंग इट। वी मस्ट से कि आप अगली मूवी में आप ऑस्ट्रेलिया आए और यहाँ पे नेक्स्ट मूवी बनाए, वी विल वेट फॉर यू एंड थैंक यू वेरी मच, एंड वी प्रॉमिस कि हम सबको कहेंगे कि जाएं ये मूवी देखें, बिकॉज इसमें बहुत ही पावरफुल मैसेजेस हैं कि किस तरीके से हमने ट्रेलर में देखा, और अभी इंतजार रहेगा मूवी का। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका अपना वरुण तिवारी, मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में आपके साथ। जी नमस्कार। Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.